हेलो फ्रेंड्स, सबका वर्ल्ड फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और ABL सर्किट टेलीविजन सेट में किस प्रकार से बना होता है उसके बारे में आज इस वीडियो के जरिए हम लोग जान पाएंगे। तो ABL सर्किट का काम क्या होता है कि यह है ऑटोमेटिक ढंग से टेलीविजन में लाइट और कंट्रास्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ देखेंगे कि यह ESD है, यहाँ ESD का यूज़ किया जाता है। ESD का यहाँ पर पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और बाद ये 9 नंबर जो पिन होता है वह ABL आउटपुट पिन होता है। ESD के पिन नंबर 9 से ABL वोल्ट निकलता है, आउट होता है। देखेंगे यहाँ ABL लिखा हुआ है और ABL वोल्ट आउट होता है। यहाँ से निकलने वाला ABL वोल्ट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक रजिस्टर लगा होता है, 1.5 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है और रजिस्टर के द्वारा ABL वोल्ट यहाँ चलाता है। और यहाँ देखेंगे कि एक फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर 1 MFD 50 वोल्ट का लगा होता है और इस कैपेसिटर में यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ निगेटिव होता है। तो ABL वोल्ट जो ESD के पिन नंबर 9 से आउट होता है, निकलता है, वो ABL वोल्ट रजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पहुँचता है, रजिस्टर के द्वारा यहाँ पहुँचता है और यही ABL वोल्ट देखिएगा कि ऐसे होते हुए स्ट्रिप के द्वारा यहाँ पहुँचता है। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 3.3 किलो ओम का। तो यहाँ से यहाँ इस रेजिस्टेंस के द्वारा यही ABL वोल्ट देखेंगे कि स्ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए स्ट्रिक के द्वारा यही ABL वोल्ट इस लाइन को पकड़े हुए देखेंगे कि ऐसे होते हुए यही ABL वोल्ट ऐसे होते हुए देखिएगा कि यहाँ पहुँचता है। जब यहाँ ABL वोल्ट पहुँचता है तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ ABL वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक रजिस्टर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 3.3 किलो ओम का। और ये जो है 5 वोल्ट का लाइन है, 5 वोल्ट के लाइन से एक यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि यहाँ का ABL वोल्ट कंट्रोल में रहे, नियंत्रित में रहे। उसके लिए ही यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है। और यहाँ का ABL वोल्ट यहाँ से यहाँ फिर एक रजिस्टर लगा होता है 82 किलो ओम का। रजिस्टर के द्वारा यही ABL वोल्ट जैसे यहाँ पहुँचता है तो उस ABL वोल्ट को जो कि निगेटिव रूप में ESD के पिन नंबर 9 से आउट होता है, निकलता है, तो उस ABL वोल्ट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए क्या होता है कि यहाँ एक 4148 नंबर का डायोड लगा होता है और इस डायोड का यहाँ कैथोड होता है जबकि यहाँ पर इनोड होता है। तो इस डायोड के द्वारा वही ABL वोल्ट यहाँ पहुँच जाता है। और जब यहाँ ABL वोल्ट पहुँचता है तो उस ABL वोल्ट को फिल्ट्रेशन करने के लिए देखिएगा कि यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि 2.2 MFD और 63 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। और इस कैपेसिटर के द्वारा ABL वोल्ट को फिल्टर करते हुए यही ABL वोल्ट देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक वायर के द्वारा, एक जम्पर के द्वारा वही ABL वोल्ट चला जाता है कहाँ, तो इस IC के पिन नंबर 27 नंबर पिन को, यानी कि 27 नंबर पिन को ABL वोल्ट प्राप्त होता है। देखेंगे कि यहाँ पर जो है ABL लिखा भी है, तो यहाँ ABL इन लिखा हुआ है। तो इस पिन को जैसे हम लोग ABL वोल्ट देते हैं तो इस माइक्रो प्रोसेसर IC के द्वारा लाइट को कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से ABL सर्किट का काम क्या है कि ABL वोल्ट IC के पिन नंबर 27 को देने का काम करता है। और वह ABL वोल्ट कहाँ से आउट होता है तो ESD से, ESD के पिन नंबर 9 से निकलने वाला ABL वोल्ट विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा, जो कि अभी हम लोग मिला है, और विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस IC के पिन नंबर 27 को देते हैं। और अगर इस सर्किट में फॉल्ट हो जाता है तो वे कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और किस प्रकार से ये ABL सर्किट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जांच करते हैं, तो वो आने वाले वीडियो में हम लोग विस्तार से समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।